तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के, जो भी छात्राएं 2018 से 21 सेशन की हैं और वो अभी अपना स्नातक उत्तीर्ण कर चुकी हैं और अपना मार्कशीट जो है रिसीव कर चुकी है अपने हाथ में, तो इनके लिए जो है 50,000 की राशि जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती है। इसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में जो है चल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी छात्राओं का नाम जो लिस्ट में नहीं था, तो उसके बारे में इस वीडियो में जो हम बात करने वाले थे। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, जिससे कि जो भी अपडेट आए कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो आज मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपका इन बैंक्स में जो अकाउंट होगा तो आपको जो राशि है वो नहीं मिल पाएगी, तो कौन से बैंक अकाउंट होंगे वो भी हम बताएंगे। साथ ही जो भी छात्राएं 2019 से 22 सेशन की है, उनका अब लगातार ये सवाल आना शुरू हो चुका है कि हमें जो है कब ये राशि मिल पाएगी, क्योंकि हमारा अभी एग्जामिनेशन जो है तुरंत लिया गया है, तो इसके लिए कब से एप्लीकेशन प्रोसेस जो है शुरू किया जाएगा, तो इसके लिए भी हम जो है आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो 2019 से 22 सेशन वाली जितनी भी छात्राएं, चाहे वो बिहार की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, आपका रिजल्ट अगर 31 अक्टूबर 2022 से पहले प्रकाशित किया गया है तो आपका जो है लिस्ट में नाम आ गया होगा। इसलिए आपको बस प्रतीक्षा करनी है, जैसे ही ये ऑफिशियली जो है पोर्टल को लॉन्च कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आप लोग अपना अपना जो है लिस्ट में नाम देख सकती है, साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। अब बात आती है कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, इस यूनिवर्सिटी की जो 2019 से 22 सेशन की छात्राओं का परीक्षा तुरंत अभी खत्म ही हुआ है, तो इनको ये राशि का लाभ कब मिलेगा। और साथ ही साथ LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का भी अभी तुरंत रिजल्ट आया है, पिछले महीने यही कोई 30 दिसंबर को जो है रिजल्ट 2022 में जारी किया गया है। तो इन लोगों का जो है कब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दो यूनिवर्सिटीज जो है इनकी कन्या उत्थान योजना की राशि का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 2023 के जून जुलाई के बाद ही स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब तक इनके हाथ में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगा तब तक ये सभी छात्राएं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो है अभी इलिजिबल नहीं है। तो जो भी 2018 से 21 सेशन की छात्राएं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर या बिहार की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास करती हैं, तो उनको जो है ये राशि का लाभ दिया जाएगा। इनफैक्ट बिहार की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उनकी भी छात्राओं को जो ये 50,000 की राशि दी जाती है, तो बहुत सारी छात्राओं को जानकारी नहीं होती है इस बात की, इसके वजह से वो अप्लाई नहीं करती है, और अप्लाई नहीं करती है तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। अब बहुत सारे केसेस में जो है फॉर्म्स रिजेक्ट भी किए जाते हैं, तो कौन से ऐसे केसेस होते हैं, तो सबसे पहली चीज कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे अगर आपका नाम में स्पेलिंग कुछ भी इधर उधर होगा तो उस टाइम पे आपका जो है रिजेक्ट किया जाता है। साथ ही जब आपका फादर्स नेम वगैरह जो मैच नहीं कर रहा होता है तब ये जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ बैंक पासबुक से अगर आपका डिटेल्स मैच नहीं करता हुआ होता है तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। तो आपको जो है सबसे पहले तो केयरफुली ये चीजें देख लेनी है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उस पे क्या आपका नाम बिल्कुल सेम है, वर्ड टू वर्ड लेटर टू लेटर सेम है या नहीं है। अगर कुछ भी इधर उधर होगा तो वो डायरेक्टली रिजेक्शन के कॉलम में फेंक दिया जाता है और आपका जो लिस्ट में नाम होता है उसके जस्ट एंड ऑफ द कॉलम में जो है लिखा रहेगा रिजेक्टेड। अगर पेमेंट डन हो जाएगा तो पेमेंट डन करके जो है लिखा हुआ दिखेगा आप लोगों को। तो आपको जो है ये सारी चीजें पहले ही देख लेनी है। इनफैक्ट जो भी छात्राएं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हैं और वो 2018 से 21 सेशन की है और 2019 से 22 सेशन की है, तो वो सभी भी एप्लीकेशन प्रोसेस अपना कर सकती हैं। तो जो भी पाटलिपुत्र की छात्राएं हैं वो ये बताइए नीचे कमेंट करके कि आपका जो है रिजल्ट पब्लिश डेट कौन सा है। अगर 31 अक्टूबर 2022 से पहले का है तो आपका लिस्ट में नाम आ चुका होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत समय पहले, दिसंबर के टाइम पे ही बनाई थी, तकरीबन 7 दिसंबर के आसपास का वो वीडियो था। उसमें मैंने लिस्ट के बारे में बताया था कि आप सभी अपना अपना लिस्ट में नाम जो है चेक कर सकती है। अगर आपने नहीं चेक किया होगा तो फिलहाल वो पोर्टल क्लोज कर दिया गया, जैसे ही ऑफिशियली पोर्टल खोल दिया जाएगा आप लोग अपने लिस्ट में नाम देख सकती हैं। अब बिहार यूनिवर्सिटी की दो बड़ी ऐसे कॉलेजेस, इनफैक्ट तीन ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कि बीकॉम के जो कोर्सेज चलते थे वो सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे कोर्सेज चलते थे, तो इनकी छात्राओं का जो है नाम ऐड नहीं किया गया था। एक तो था MDDM कॉलेज, एक तो था LS कॉलेज और एक और कोई कॉलेज का नाम आ रहा था वो मुझे याद नहीं है। तो उन सभी को भी जो है अब अप्रूवल मिल चुका है, उन सभी छात्राओं को भी जो है 50,000 की राशि दी जाएगी, यानी कि उन लोगों का भी लिस्ट में नाम ऐड किया जा रहा है। अब इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो है अभी तक के पोर्टल को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया जा सका है, क्योंकि बार बार हर एक कॉलेज से रिक्वेस्ट आ रहा है कि हमारे
जो कोर्स को है वो मान्यता मिल रखा है, या फिर कहीं गड़बड़ी पाया जाता है तो उसे हटा दिया जाता है, यानी कि लिस्ट में से नाम हटा दिया जाता है। कुछ कॉलेज के जो लिस्ट में नाम पहले ऐड हो गए थे, बाद में उसे हटा दिया गया, इनफैक्ट फिर बाद में अप्रूवल भी मिल गया उसे, तो ये सारी परेशानियां अभी फिलहाल चल रही है। और कुछ कॉलेज ने जो है अपनी छात्राओं का डिटेल्स ही नहीं दिया है, जिसकी वजह से जो है अभी तक ये पोर्टल ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया जा सका है। जैसे ही पोर्टल ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा, उसके बाद से कोई भी कॉलेज जो है अपनी छात्रा का नाम उसमें ऐड नहीं कर सकता है, जिसके वजह से जो है ये राशि के लिए अभी तक एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों का स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो कुछ बैंक्स के मैं आपको नाम बताता हूं, अगर आपके इन बैंक्स में खाते हैं तो आपके लिए जो है थोड़ा दिक्कत होने वाला है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरे बैंक में जाकर के अपना खाता खुलवा लीजिए, और जो भी आपका नाम वगैरह हो, जो भी सरनेम वगैरह हो, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब बात आती है कि जो भी स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं हैं वो विवाहित हो चुकी हैं तो क्या इनको ये राशि नहीं दी जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी छात्राएं स्नातक उत्तीर्ण कर चुकी हैं और वो शादीशुदा हैं तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो अविवाहित है उनको भी मिलेगा। सिर्फ इंटरमीडिएट में ये क्राइटेरिया होता है कि छात्रा जो है वो विवाहित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका अलाहाबाद बैंक में अकाउंट है, आंध्रा बैंक में अकाउंट है, कॉर्पोरेट बैंक में अकाउंट है, देना बैंक में अकाउंट है, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स में है, या फिर सिंडिकेट बैंक में है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या विजया बैंक में अकाउंट है, तो आपको जो है वहां पे ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। अगर आप डालते भी हैं तो आपके मेल आईडी पे जो है आईडी और पासवर्ड नहीं भेजा जाएगा रजिस्टर करने के बाद। इसीलिए आपका इन बैंक में से किसी में भी खाता है तो आप दूसरे बैंक में जाकर के खाता खुलवा लीजिए। कुछ छात्राएं पूछ रही हैं कि मेरा जो है प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट खुला है, यानी कि एक्सिस में खुला हुआ है, आईसीआईसी में खुला हुआ है, एचडीएफसी में है, तो क्या हम जो है डाल सकते हैं उसका आईएफएससी कोड वगैरह? सत्य, जो आपका ब्रांच है वो बिहार में ही स्थित होना चाहिए, और आपका जो अकाउंट खुला होगा वो बिहार में ही खुला होना चाहिए। अदर किसी स्टेट में अगर अकाउंट खुला है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। और जो छात्रा है वो बिहार की रेसिडेंट होनी चाहिए, अगर रेसिडेंट नहीं होती है फिर उनका फॉर्म एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और इस स्टेट से आकर के ग्रेजुएशन अगर आपने करा है तो आप एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस करके देखिएगा। पहले तो लिस्ट में नाम चेक करिएगा, अगर लिस्ट में नाम होगा तो आपको भी मिलेगा, बस आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना करके देना होगा और इस स्टेट में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ ओपन यूनिवर्सिटी की भी जो छात्राएं हैं उनको भी जो है ये राशि दी जाएगी 50,000 वाली, तो आप लोग भी अपना एक बार चेक कर लीजिएगा, नाम जब लिस्ट आएगा तो उसमें आप जो है नाम वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी को भी जो है मान्यता मिल रखा है कि वो सभी छात्राएं जो है ओपन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं, तो उनको भी दिया जाता है। साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स, जो भी वोकेशनल कोर्स कर रही छात्राएं, अगर उनका भी वोकेशनल कोर्स का पूरा ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, रिजल्ट ओरिजिनल मिल चुका है, तो वो लोग एक बार जरूर चेक करिएगा जब भी पोर्टल ओपन होगा तो आपका नाम है कि नहीं है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो कि आप सभी को देनी जरूरी थी। और जो पोर्टल है वो इस महीने के आखिर से खुलने का जो है संभावना दिख रहा है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, और सेल्फ फाइनेंसिंग वाला जो बात था जिसमें कि बहुत सारी छात्राओं का नाम नहीं था, तो उस लिस्ट को दोबारा अब जो जोड़ा जा रहा है और इन छात्राओं को भी 50,000 की राशि दी जाएगी प्रोत्साहन राशि के तौर पर, ठीक है। तो आपका अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकती हैं, और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हर एक अपडेट आप लोगों तक टाइम टू टाइम हमारा चैनल पहुंचाते रहेगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।